हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अगस्त कॉमेट की बायोग्राफी के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, हम क्यों अगस्त कॉमेट की बायोग्राफी यानी कि उनकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगस्त कॉमेट कौन थे। 19वीं शताब्दी यानी कि 19th century से पहले जो सामाजिक विचारधारा वो सिर्फ समाज पर आधारित थी, जहां मनुष्य द्वारा आसानी से अंधविश्वासों इमेजिनेशंस में विश्वास किया जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हमारे सामने आया। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का क्रेडिट किसे जाता है यानी किसने इसका बेस बनाया, वो थे फ्रेंच फिलोसोफर और सोशोलॉजिस्ट यानी समाजशास्त्री अगस्त कॉमेट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सामाजिक जीवन या सामाजिक जीवन के विचारों में से पहले अंधविश्वासों और कल्पनाओं को अलग कर दिया और उनके अनुसार कोई भी सामाजिक घटना अंधविश्वासों और कल्पनाओं पर आधारित नहीं होती। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं यानी सामाजिक घटनाओं की स्टडी वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड से की जाती है। मान लीजिए अगर वे ऐसा ना करते यानी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव या वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं हमारे सामने ना रखते, तो समाजशास्त्र की वैल्यू आज इतनी ना होती या कब की खत्म हो जाती। अगस्त कॉमेट ने अपने स्टडी मेथड में क्या क्या ऐड किया है, जैसे निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगस्त कॉमेट का नाम सिर्फ इसलिए फेमस नहीं रहा कि उन्होंने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया, वो इसलिए भी बहुत फेमस माने जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जनक यानी समाजशास्त्र के कर्ता धर्ता। पहले जो है समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक शास्त्र यानी कि सोशल फिजिक्स कहा जाता था, तो बाद में उनकी विचारधारा के कारण उन्होंने सामाजिक भौतिक शास्त्र से नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। इसलिए सबसे पहले उन्होंने 1839 में हमारे सामने समाजशास्त्र शब्द को रखा। अगस्त कॉमेट का जन्म 19 जनवरी सन 1798 में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके फादर टैक्स डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारी यानी कि हाई ऑफिशियल थे। कॉमेट एक लोकतंत्रवादी यानी कि डेमोक्रेटिक थे। एक तरफ उनके पेरेंट्स कैथोलिक थे, दूसरी तरफ कॉमेट कैथोलिक धर्म के आलोचक यानी कि क्रिटिक थे। एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही शहर में की। उसके बाद उनका एडमिशन पेरिस के पॉलिटेक्निक स्कूल में कर दिया गया। उन्होंने जस्ट 13 साल की उम्र में अपने परिवार के राजनीतिक और धार्मिक विश्वासों को त्याग दिया। कॉमेट अपनी लाइफ में बेंजामिन फ्रैंकलिन से बहुत प्रभावित थे। वे उनको एक आदर्श पुरुष यानी कि एक आइडियल ह्यूमन मानते थे। जब वे 20 साल के थे तो वे सिमन सेंट के कॉन्टेक्ट में आए। वे 1818 से लेकर सन 1824 तक एक साथ रहे। सेंट सिमन का उनके ऊपर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, वे इस तरह हैं। नंबर 1, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। नंबर 2, पॉजिटिव पॉलिटी। नंबर 3, पॉजिटिव फिलोसफी। एट लास्ट हम बात करते हैं, अगस्त कॉमेट 1857 में एक्सपायर हुए, लेकिन उनके हार्डवर्क और उनके थॉट्स की कभी भी डेथ नहीं हुई ना ही होगी। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी आज जो कुछ भी है वे उनके कारण है। उन्होंने जो बेस तैयार किया था वे आज भी है और हमेशा रहेगा। तो हम उनका थैंक्स करते हैं फॉर दिस ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर आप उनके साइंटिफिक मेथड को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर अगस्त कॉमेट की 2 थ्योरीज अपलोड की गई हैं, एक लॉ ऑफ 3 स्टेजेस और दूसरी कॉमेट पॉजिटिविज्म, आप उन्हें देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।